हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा, कैसे हैं आप सब? तो डियर फ्रेंड्स, आज मैं सुबह सुबह ही लेके आई हूँ आपके लिए एक न्यू ब्लॉग। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ मैं अपने गांव वाले घर से। तो अभी जा रही हूँ मैं गांव, तो अपने गांव वाले घर के पास जो हमारे गाँव साइड है वहाँ पे। तो मुझे अपने बहन से दूध निकालना है। तो आप सभी को पता है कि मम्मी जी दीदी के यहाँ गए हुए हैं, कि बेबी दीदी का बॉय हुआ है तो वहाँ पे गए हुए हैं। तो बस एक दो दिन ही मुझे यहाँ आना है और फिर नहीं, क्योंकि जब मम्मी घर पे नहीं होती है तभी मैं यहाँ पे आती हूँ, वरना मम्मी जी खुद आते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारे गांव वाले घर को जाने वाला रास्ता, और लगभग यहाँ पे 7 बजे का टाइम है, 7:30। तो सुबह ही बहुत कोहरा ही कोहरा मचा हुआ है यहाँ पे सारे, और बहुत ही ज़्यादा ठंडी है। मैं तो यहाँ पे कभी कभी आती हूँ, लेकिन मम्मी जी रोज आते हैं तो बहुत ठंडी लगती है। हाथ बिल्कुल सुन जैसे हो गए हैं। और यहाँ पे मैंने डिब्बा लिया हुआ है दूध निकालने का, जिसमें मैं दूध डालूँगी। और सुबह सुबह बहुत ही ज़्यादा भयानक ठंड है, तो मैं भी जा रही हूँ। तो चलिए मिलते हैं नीचे कप साइड में ही। ये देखिए, बहुत ही हमारे लैंग्वेज में इसको पालरू बोलते हैं, जो भी यहाँ पे उसकी बूंदे बड़ी होती है तो पालरू बोलते हैं इसको। तो इतना इजी नहीं रहता विंटर्स के टाइम हर एक चीज़ को हैंडल करना, बहुत ही ज़्यादा टफ टास्क रहता है। देखिए, आप लोग देख रहे होंगे प्रियंका सवेरे ही 6:30-7 बजे निकल गई है, और उस टाइम पे इतनी ज़्यादा धुंध छाई रहती है कि आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। और जो टॉप हिल्स हैं वहाँ पर जोरदार स्नोफॉल हो रही है, और बहुत ही ज़्यादा ठंड हो गई है। आज की बात में बताऊँ तो आज इतनी ज़्यादा कड़ाके की ठंड पड़ी हुई है कि पूछिए मत। हमने अपने पशुओं को देखिए ब्लैंकेट लपेट दिए हैं, तो भाई ये भी इनमें भी जान है तो इनको भी ठंड लगती है, सोचना चाहिए इनके बारे में भी। और इसके बाद इन सभी कामों को निपटाने के बाद प्रियंका आ गई घर में, और देखिए बाणी किस तरह से वेलकम कर रही है अपनी मम्मा का। मौसम की बात करें तो मौसम एकदम अचानक से ही आज बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, और आज मौसम ख़राब है तो धूप भी नहीं लगेगी, इसलिए बाणी को आज चूल्हे के पास ही रखना पड़ेगा पूरा का पूरा दिन भर, ताकि इसको भी ठंड ना लगे। कैसा लगा आप लोगों को बाणी का डांस? तो इस टाइम पे हमने बाणी को नहला दिया था और चूल्हे के पास इसको ले आए थे। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? तो इस वाले मोमेंट को मैं कैप्चर कर रहा हूँ, गया हूँ एक हेयर कटर है हमारे यहाँ पे नज़दीक, तो आज आया हूँ मैं लॉन्गड़ी में, और करवाते हैं अपने हेयर की ड्रेसिंग। तो देखते हैं किस तरह का स्टाइल रहता है। वैसे स्टाइल तो मैं कम समय करता हूँ, तो इस तरह की मतलब जो सोच है वो कॉलेज और स्कूल तक ही सीमित रही है मेरी। बाकी अब ऐसा है कि आप लोगों के सामने सब कुछ मैं शेयर करता हूँ, डेली लाइफ रूटीन अपनी। तो अब बाल बच्चे वाले हैं और मेरी एक बेटी है बाणी, उसको आप भली भांति जानते हैं। तो आजकल तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ हेयर कटर के पास कि भाई भाई सिंपल सा कर लो आप, जैसा फौजी कट होता है वही कीजिए आप। तो चलिए करवाते हैं, और फिर उसके बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा हर एक डिटेल। ठीक है, आप लोगों को दिखाऊँ मैं जहाँ पे आया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, मेरे साथ मेरे लेबर आए हुए हैं, ये तूफान, तो ये भी करवाएगा कटिंग। इसके भी आप देख सकते हैं कितने बड़े हैं बाल, देखिए पूरा झाकड़ बन गया है और यहाँ पे भी झाकड़ ही है। वैसे अभी प्लेन किया इसने कंघी की मेरे सिर पे अभी यहाँ पे, तो कुछ इस तरह की शॉप है ये, छोटी सी है लेकिन ठीक है, जैसी भी है सिंपल एंड टिकाऊ हेयर स्टाइल करवाना है तो ठीक है उसके लिए। तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, देखिए और काम कोई भी हो उसमें आप लोगों को एकदम टाइमली मतलब हर एक चीज़ मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि जब भी मैं आता हूँ हेयर कटर की शॉप पे तो बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तो अभी भी तकरीबन हाफ एन आवर भी क्या बोल सकते हैं, पौना घंटा ही हो गया यहाँ पे बैठे बैठे। तो उसके बाद नंबर पड़ा है, तो चलिए दिखाते हैं आप लोगों को बिफोर एंड आफ्टर की कुछ तस्वीरें दिखाऊँगा, वीडियो भी दिखाऊँगा। तो चलिए करवाते हैं पहले हेयर कटिंग, और यहीं पर ही ब्लॉगिंग लगी हुई है एक्चुअली, जो यहाँ पे हेयर कटर हैं
वो है नहीं यहाँ पे अभी, तो उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। पहले ऐसा हुआ पौना घंटा मतलब यहाँ पे वेट करना पड़ा, और अभी कर रहे हैं हेड कटर का इंतजार, तो लगभग 1 घंटा ही समझो पूरा का पूरा होने वाला है। पर ये देखिए हेयर की ड्रेसिंग यहाँ पे, और भाई का जो मैं अभी तक का एक्सपीरियंस है तो आपने बोलता हूँ काफी अच्छा काटते हैं बालों को, मैंने कटवाया हूँ इनसे पहले भी, और साफ सुथरा काम है। और जैसे कि इनको बोला हुआ मैंने कि एकदम से सिंपल लुक, तो उसी तरह की ये बनाएंगे। तो आफ्टर एंड बिफोर की जो भी परिणाम होगा आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा, तो यूं ही कंटिन्यू बने रहिएगा आप लोग हमारे चैनल के ऊपर। एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों को, तो आजकल ये ट्रेडिंग में भी है और मैंने एग्जामिन भी किया है, मेरा पर्सनली ओपिनियन भी है अपना, कि जो भी जितने भी स्कूल के और कॉलेज के यूथ युवा हैं वो चले जाते हैं दूर दूर, हालांकि उनके घर गांव में भी है हेयर ड्रेसर, लेकिन वहाँ पे नहीं करवाते हैं बात, जहाँ पर एक्सपेंसिव है और बड़े बड़े पोस्टर देखते हैं, शीशे लगे हुए, बड़े बड़े चेयर्स, तो बाल ही कटवाने हैं आपने यार भाई बस। हाँ, हालांकि ये ज़रूर आपको फॉलो करना चाहिए कि जो आपका हेयर ड्रेसर है वो साफ़ सुथरा काम करता है, उसके पास सैनिटाइजर है, अपने सामान जैसे कैंची हो गई, कंघी हो गई, उनको वो साफ़ सुथरा रखता है या नहीं रखता है। बाकी बालों पे इतना पैसा क्यों वेस्टेज कर रहे हो आप सभी लोग। अभी तक आप लोगों को हमारा आज का ब्लॉग, और मैं यही होप करता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये पसंद आया होगा। अभी तक आप लोगों ने देखा प्रियंका गई हुई थी गांव में, और स्पेरे अर्ली इन द मॉर्निंग में 6:30 बजे निकल जाना पड़ता है। पशु भी एक तरह से हमारे फैमिली मेंबर्स की तरह होते हैं, उनका ख्याल भी उसी तरह से रखना पड़ता है जिस तरह से हम सवेरे मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट बनाते हैं अपने लिए, तो उसी तरह से सबसे पहले पशुओं को भी एज ए ब्रेकफास्ट की तरह देना पड़ता है घास, और उनकी भी सेवा पानी करनी पड़ती है उसी तरह जिस तरह से हम अपने फैमिली मेम्बर्स की करते हैं। बाकी बात करें, एक काफ़ी पुराना कमेंट आया हुआ था आप सभी लोगों का कि विंटर्स के टाइम में आप किस तरह से टेक केयर करते हो अपने पशुओं की, उनका बचाव किस तरह से करते हो ताकि जो हवा है, बारिश है, वो अंदर ना आए आपके कॉसेट के। तो देखिए बारिश का तो ऐसा है कि देखिए हमने वहाँ पर चक्के बिछाए हुए हैं और टीन लगाया हुआ है। बाकी हवा का इस तरह से रहता है, जो सूखा घास होता है उसको जो भी छत होती है कॉसेट की तो उसमें पूरी तरह से बिछा देते हैं हम, ताकि ज़रा भी एयर के लिए स्पेस नहीं रहता है कि वो अंदर आए। और बाकी दूसरा विकल्प यह रहता है हमारे पास, जो तूड़ी होती है उसको हम बड़े बड़े बैग्स में भर देते हैं और पूरा का पूरा जितना भी स्पेस है उसको कवर करके रखा जाता है। और मैं आप लोग मानेंगे नहीं जितना मतलब आप लोगों को एक सेफ्टी अपने घर के अंदर मिलती है, पक्के घर के अंदर, उसी तरह से मतलब वहाँ पर भी कोई चांस ही नहीं रहता एयर अंदर आने का, और पशुओं के लिए भी बहुत ज़्यादा सेफ्टी रहती है। और आज बहुत ज़्यादा ठंड थी तो इसी वजह से हमने ब्लैंकेट वगैरह लपेट दिया है भैंस को। बाकी आप लोगों के मैं बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ, इतनी ज़्यादा गुड विशेज आप सभी लोगों ने दी। मेरी छोटी बहन की डिलीवरी हुई, उसको बेबी बॉय हुआ है, तो उसकी ढेरों शुभकामनाएं आपने हमारे परिवार को दी, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से धन्यवादी हूँ। और आप सभी लोगों को भी मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि आप लोग भी देखते हो तो आप सभी लोगों का भी वो छोटा बेबी बॉय कुछ ना कुछ जरूर लगेगा। और इसके बाद आगे का मैं बताऊं तो आगे मैं ब्लॉग में शेयर करने वाला हूं आप सभी लोगों के साथ इंटीरियर डेकोरेशन होम की, हमारे यहां पर ही है डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर घुमारमी में, अंकित नाम है, अंकित शर्मा उनका नंबर, और उनकी जो भी जैसी भी डिटेल्स है आप लोगों के साथ ऑलरेडी शेयर होगी इस ब्लॉग में, तो जरूर देखिए आप सभी लोग उनका काम। बाकी जिनको भी किसी भी तरह का छोटा से लेकर बड़े से बड़ा अगर होम डेकोरेशन का काम करवाना है, तो क्यों आप चंडीगढ़ का रुख करेंगे, दिल्ली का करेंगे या किसी और बड़ी सिटी का, जब आपके पास आपके नज़दीक में ही कारीगर हैं जो इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। बाकी उनका काम मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं अपने ब्लॉग के थ्रू, तो चलिए देखते हैं क्या है और किस तरह से रहता है उनका काम। होम इंटीरियर डेकोरेशन के ये कुछ वीडियो क्लिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो अंकित भाई का ये काम है और आप लोग देख सकते हो। बाकी लिटरली मैं आप लोगों को बताऊँ तो मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, और इन वीडियो को
आप लोगों के साथ शेयर करने का मेरा एक और छोटा सा मकसद है। हालांकि आप लोग अपने दिल पे मत लगाइएगा मेरी इस बात को, मैं सभी लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, सबका अपना अपना ओपिनियन होता है, अपनी अपनी सोच रहती है। लेकिन हालांकि हाँ, जो मिडिल क्लास फैमिली है उनकी ये सोच रहती है कि जो होम डेकोरेशन का काम है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहता होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग देख रहे हो दीवारों को, तो ये जो दीवारें सजी हुई हैं तो इन पर लगे हुए हैं वॉलपेपर, और वॉलपेपर उतने ज़्यादा महंगे नहीं होते हैं, ये चीपेस्ट रहते हैं। जो भी आप टाइल्स वगैरह यूज करते आ रहे हो अभी तक अपने घरों में, उनसे तो मैं बोलता हूँ बहुत ही ज़्यादा सस्ते दामों में ये मिलते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा जो हमारा रूम है वहाँ पर भी हमने वॉलपेपर लगाया हुआ है। तो मैं आप लोगों को प्राइस की बात करूँ तो मैं हालांकि अंकित भाई के प्राइस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो वाला वॉलपेपर मैंने अपनी दीवार के ऊपर लगाया हुआ है वो मुझे पड़ा हुआ है 800 रुपये का। तो 800 रुपये से मेरी पूरी की पूरी दीवार डेकोरेट हो गई है, और उस वाले वॉलपेपर पे मुझे मिली हुई है वैलिडिटी, 10 साल के लिए वारंटी दी हुई है कि 10 साल तक वो ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने देखे सैंपल कुछ वॉलपेपर्स के, तो मुझे तो वॉलपेपर बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं ये जो भी अंकित भाई सामने लेकर आ रहे हैं। बाकी आप लोगों ने इनकी इंटीरियर डेकोरेशन का काम भी देख लिया, वो भी बहुत ज़्यादा मस्त लग रहा है मुझे। तो अगर आप में से किसी लोगों ने भी करवाना है होम डेकोरेशन का काम तो इनसे ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा। हालांकि मैं इतना बोल सकता हूँ कि जो बाहर के कारागिर हैं उनसे इनका काम चीपेस्ट प्राइस पर ही मिलेगा आप लोगों को। जरूर इनसे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी करनी हो किसी भी तरह की। ये था हमारा आज का ब्लॉग, और यही मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को जरूर यह पसंद आया होगा। और किसी भी तरह की कोई भी कमी पेशी रही हो हमारे आज के ब्लॉग में तो आप लोग कमेंट बॉक्स के थ्रू अपनी राय जरूर रख सकते हैं। और हमारा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।